नरेंद्र मोदी सरकार अगले आम चुनाव से पहले यह अंतिम पूर्ण बजट था। इस बजट से उम्मीदें थी कि यह लोक लुभावना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बावजूद लगातार दूसरे साल मोदी सरकार का ध्यान गांव, ग्रामीण इलाकों, गरीबों और किसानों की ओर रहा। यह हम यूं ही नहीं कह रहे, यह बात कहने के लिए हमने पिछले साल के बजट की मुख्य बातों पर भी एक बार फिर से नजर दौड़ाई और इस बार के बजट भाषण को भी गौर से देखा। वैसे भी पीएम मोदी कहते रहते हैं कि उनकी सरकार की नीतियां दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित और मजदूर वर्ग के लिए है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में बताया कि देश में कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाने के लिए सरकार काम कर रही है। पशुओं के संवर्धन के लिए गोवर्धन योजना चलाई जाएगी। पशु और मछली पालन के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड वित्त मंत्री ने अलग से रखा है। उन्होंने 2022 तक किसानों की आय दुगना करने के लक्ष्य को एक बार फिर से रेखांकित किया। इसके अलावा नया ग्रामीण बाजार ई नेम बनाने का ऐलान भी किया गया। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर विशिष्ट कृषि उत्पादन का क्लस्टर मॉडल विकसित किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने किसानों को क्रेडिट कार्ड देने की भी बात कही है। वित्त मंत्री ने खुशी के साथ बताया कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को 1.5 गुना किया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 1400 करोड़ का प्रावधान किया है। उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर देने की बात भी की। आलू और प्याज के उत्पादन के लिए ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च करने की बात करते हुए उन्होंने इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि कृषि बाजार के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटित किए जाएगी। जिला स्तर पर विशिष्ट कृषि उत्पादन क्लस्टर मॉडल विकसित करने की भी बात उन्होंने की। वित्त मंत्री ने साल 2022 तक हर गरीब को घर देने के लक्ष्य को एक बार फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में 37 लाख मकान बनाने की मंजूरी दी गई है। स्वच्छता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए अरुण जेटली ने बताया कि 2018 से 2019 में सरकार का लक्ष्य 2 करोड़ शौचालय बनाने का है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 6 करोड़ शौचालय बन चुके हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि 4 करोड़ परिवारों तक 16,000 करोड़ रुपए की लागत से बिजली पहुंचाई जाएगी। उन्होंने अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए बताया कि 5 करोड़ गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य था, अब इस लक्ष्य को 8 करोड़ कर दिया गया है। अनुसूचित जातियों के विकास के लिए 56,619 करोड़ रुपए और जनजाति के विकास के लिए 39,135 करोड़ रुपए का आवंटन इस बजट में किया गया है। इसके अलावा जनजातियों के विकास के लिए 32,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया जाएगा।